गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीडरशिप एंड टीम इफेक्टिवनेस के एनपीटीईएल वीक फोर के असाइनमेंट फोर के बारे में जो हम लोग जो वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट लीडर्स, और इसके चार ऑप्शन दिए हुए आर फास्ट लर्नर्स, मेक बेटर असम्पशंस, डिडक्शंस एंड इन्फरेंसेस, डोंट हैव ए कंपेलिंग विजन, कैन डेवलप बेटर सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, और इसके राइट आंसर है डोंट हैव ए कंपेलिंग विजन। डोंट हैव ए कंपेलिंग विजन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू के तरफ में, प्रश्न दो के तरफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इम्फेसिस ऑन स्ट्रीट स्मार्ट्स एंड कॉमन सेंस एबिलिटी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस है और इमोशनल इंटेलिजेंस है, और इसके राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर टू के, दैट इज योर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के तरफ में कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम रेफर्स टू फीलिंग्स दैट टेंड टू बी लेस इंटेंस फ्रॉम इमोशंस एंड दैट लैक्स ए कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलस, एंड वी हैव फोर ऑप्शंस, चार ऑप्शंस है इसके, अफेक्ट इमोशंस, मूड्स एंड थिंकिंग, और चार ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है दैट इज योर मूड्स। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर फोर के तरफ में, ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन ETL, people are not born with general emotional intelligence that determines their potential for learning and emotional competencies, और इसके राइट आंसर हैं ये फॉल्स है, ये कथन आपका गलत है क्वेश्चन नंबर फोर का। क्वेश्चन नंबर फाइव बात करते हैं हम लोग कि डैश रेफर्स टू द पोटेंशियल इन्फ्लुएंस वन हैज ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स, एंड इसके राइट आंसर है, मैं चार ऑप्शन हमारे पास में, लेगिटिमेट, एक्सपर्ट, रेफरेंट और रिवॉर्ड, और क्वेश्चन नंबर फाइव के जो राइट आंसर है दैट इज योर रेफरेंट, रेफरेंट हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर छः में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्टिक्स लीडर्स यूज टू अपील पीपुल्स वैल्यूज एंड आइडियल्स और सीक टू अरोज देयर इमोशंस टू गेन कमिटमेंट फॉर ए रिक्वेस्ट और प्रपोजल, और इसके हमारे चार ऑप्शन हैं, कंसल्टेशंस, एक्सचेंज, रेशनल पर्सुएशन और इंस्पिरेशनल अपील्स, और इसके राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स के, दैट इज योर इंस्पिरेशनल अपील्स। फिर हम क्वेश्चन नंबर सात की बात करते हैं कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लीडर्स एंड मैनेजर्स दैट सेज लीडर टू डू द थिंग्स राइट थिंग्स वेयर एज मैनेजर्स डैश डू द थिंग्स रॉन्ग, डू एम्बिगियस थिंग्स, कंट्रोल थिंग्स, डू थिंग्स राइट, और इसके राइट आंसर है डू थिंग्स राइट। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं कि डैश लीडरशिप इज द शेयरिंग ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस विद वन पर्सन रिमेनिंग इन चार्ज, चार ऑप्शन हैं, मोरल लीडरशिप, इथिकल लीडरशिप, शेयर लीडरशिप और इंक्लूसिव लीडरशिप, और राइट आंसर है हमारे पास में दैट इज योर शेयर्ड लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे पास में, स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स का, थ्योरी वाई मैनेजर टेंड्स टू टेक ए पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ द पीपल एंड अज्यूम दे आर नेचुरली अनमोटिवेटेड एंड डिसलाइक वर्क, क्या यह कथन सही है या गलत है? कथन गलत है, फॉल्स है। डैश टैक्टिक डिफर फ्रॉम कंसल्टेशन इन दैट दे आर यूज व्हेन एजेंट सीक द एड और सपोर्ट ऑफ अदर टू इन्फ्लुएंस द टारगेट, रिक्वेस्टिंग, कॉलेशन, सोशलाइजिंग और पर्सनल अपील्स। कोलिशन जो है, COLITION, ये राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन के लिए, कॉलिशन जो है टकराव वाला कॉलिजन नहीं, कॉलिजन जो है वो हमारा गूगल वो नहीं है, कॉलिजन जो है हमारा COLITION, ये जो कॉलिजन है ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन के लिए। तो अब वीक फोर के असाइनमेंट फोर का हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन किया कि वीक फोर में हमारे पास में क्वेश्चन वन से लेकर टेन तक थे। होप यू विल सबमिट योर असाइनमेंट, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, होप यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू टू ऑल।